सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम कीमे वाले नान बनाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द देख सकें। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसमें इन्ग्रीडियंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। ये मैंने नान की डो बना के रख ली है। इसका लिंक नीचे आपको आ रहा होगा, आप जाके नान की जो डो बनाने का तरीका उसमें से देख सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ प्याज चाहिए होंगे। ये 3 प्याज हैं, दरमियाने साइज के मैंने लिए हैं और ये मैंने चॉप कर लिए हैं। उसके बाद ये मैंने चिकन का कीमा लिया है 1 किलो। उसके बाद ये मसाला चाहते हैं जो मैं इस्तेमाल करूंगी, इसमें नमक है, नमक आप हसवे जायका ले सकते हैं, मैं आज 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। इसमें 1 चम्मच सुर्ख मिर्च लूंगी मैं। उसके बाद 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये सूखा धनिया है और ये भी 1 चम्मच। उसके बाद ये अनारदाना है 1 चम्मच और कुछ तिल लेंगे जो जिनसे हम ऊपर गार्निश करेंगे जब हम अपना नान बेक करेंगे। उसके बाद आपको हरी मिर्च की ज़रूरत होगी, ये मैंने 3 अदद ली हैं, देख लें आप साइज। इनको आपने चॉप करके रख लेना है और ये चॉप की हुई हम इस्तेमाल करेंगे, बारीक कटी हुई ये हम डालेंगे उसके अंदर। आए इसके इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। ये मैंने कीमा ले लिया एक बॉल के अंदर, इसमें मैं अब प्याज डालूंगी। ये देखिए मैंने प्याज डाल दिए, ये मैंने प्याज डाल ली है। अब मैं इसमें सुर्ख मिर्च, गरम मसाला पाउडर, उसके बाद ये मेरा, ये मैंने साबुत जो है खुश्क धनिया लिया था लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है। उसके बाद ये अनारदाना, अनारदाने को भी हल्का सा कूट लें आप ताकि ये थोड़ा सा बारीक हो जाए, ताकि ये दांतों के नीचे भी नहीं आएगा। फिर ये मैंने नमक डाल लिया। अब मैंने इसके अंदर चॉप, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मैंने चॉप की हुई हरी मिर्च पहले ही डाल ली है इसके अंदर। ये मैं मिक्स कर लूं। ये देखें, ये अब हमारा कीमा रेडी हो गया। अब हम अपने नान की जो डो है उसको सेट डाउन करते हैं और फिर मैं आपको नान बनाने का तरीका बताती हूँ। ये मेरी डो आ गई। ये देखें, अब ये डो जो है ये बिल्कुल फूल चुकी है। इसको मैंने सिर्फ 1 आवर के लिए छोड़ दिया था और ये इतनी फूल गई है। यूजुअली अगर गर्म जगह हो तो 30 मिनट्स में भी इतनी फूल जाती है। अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे और मैंने अपनी सरफेस क्लीन कर ली है, जो वर्किंग सरफेस है, आप अपनी सरफेस क्लीन कर लीजिएगा। इसको इसके अंदर से निकाल के हम जो है हमारे थोड़ा सा मैदा लेंगे और हम ये ऐसे करके, क्योंकि इस जो ये डो है इसके अंदर हवा भरी हुई है, इसको हम ज़रा सा अब थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं मल लेंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाए, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हवा है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके, मैं आपको बताती हूँ जो हम इसके पेड़े करेंगे। आप इसके इस तरह से ये देखें आप कर लेंगे। पेड़ों के लिए आटा मतलब मैदा निकालते जाएंगे जो अभी डो में से बना हुआ है। ये देखें ये इस तरह। अब मैं आपको, ये देखें मैंने पेड़ा बना लिए, ये हम वर्किंग सरफेस पे रखेंगे। ये देखें ये अब हमने इसका पेड़ा लेके और ये बना लिया। अब हम इसके अंदर, मैं आपको बताती हूँ कीमा कैसे भरेंगे।
डालेंगे। ये देखिए कीमा डालनी है, साइड में उठा के ये देखें आपने ऐसे कर लेना। उसके बाद उठा के हम इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखें ये बैटर सारा आपका बीच में। कोई हल्का फुल्का फट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये देखें ऐसे साइड्स पे आप इसको राउंड कर लेंगे। ये मैंने साइज छोटा रखा है इसका। ये मैंने इसको हल्का सा पानी लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल कर दूंगी और अब मैं इसको ओवन के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने दो बना के इनको ट्रे के अंदर रख दिया है। अब मैं इसको ओवन में रखती हूँ। अब ये देखें अब ये लग रहा है कि ये पककर तैयार हो गए। अब मैं इनको निकालने लगती हूँ और मैं डिश ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब ये देखें आप इसके ऊपर ये मैंने घी लगा रही हूँ। मेरे पास कपड़ा है जिससे मैं लगा रही हूँ। आपने इसके ऊपर घी लगाना है, बटर और बटर लगा लें, देसी घी लगाना है देसी घी लगा लें। मैं आम सादा घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें बहुत खूबसूरत कलर आया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि घर के साफ सुथरे बने हुए। आपको पता है आपने कौन सा क्या मटेरियल इस्तेमाल किया है इसमें। ये देखेंगे हमारे नान रेडी हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आप प्लीज़ ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी और दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आपको लेटेस्ट मेरी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।